सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम ऑफ स्ट्रिंग का प्रोग्राम देखेंगे। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? तो सिंपल, हम जब मैडम को लेंगे, मैडम को आप ऑपोजिट लिखिए, यानी स्टार्टिंग से लास्ट या लास्ट से स्टार्ट लिखिए, आपको मैडम ही आएगा। तो इस तरह का वर्ड क्या होता है? पैलिंड्रोम ऑफ स्ट्रिंग होता है। क्लियर? अब क्या करना है, हमें पैलिंड्रोम ऑफ स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाना है, और लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम ऑफ स्ट्रिंग का, तो जो वर्ड दिया हुआ उसमें से जो सबसे बड़ा मेरा पैलिंड्रोम ऑफ स्ट्रिंग है उसको हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले तो जितना भी सब स्ट्रिंग है उसको निकालेंगे और उसमें से चेक करेंगे जो मेरा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम ऑफ स्ट्रिंग कौन सा है, जो सब स्ट्रिंग जो है वो लॉन्गेस्ट कौन सा पैलिंड्रोम कौन सा है, और पैलिंड्रोम निकालने के बाद जो सबसे बड़ा है उसको हम प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए मेरा एक कैरेक्टर आ गया, ए बी हो गया, फिर ए बी ए हो गया, फिर ए बी हो गया, फिर ए बी ए बी सी हो गया, फिर ए बी सी डी हो गया। सिंपल, ये मेरा सब स्ट्रिंग हो गया। फिर हम इसको ऐसे करेंगे, फिर बी हो जाएगा, फिर बी ए हो जाएगा, फिर बी ए बी हो जाएगा, फिर बी ए सी हो जाएगा, फिर बी ए बी सी डी हो जाएगा। क्लियर? इस कंडीशन में जब हम आते हैं तो ए बी ए मेरा क्या है, एक पैलिंड्रोम है। इसको आप स्टार्टिंग टू लास्ट लिखिए या लास्ट टू स्टार्ट लिखिए, आपको पैलिंड्रोम ही आएगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम इसमें हम देख रहे हैं 3 कैरेक्टर का है, वो क्या है मेरा, ए बी ए। जब हम एक एक सब स्ट्रिंग निकालेंगे इसमें मेरा काफी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर यूज करेंगे। एक पॉइंटर मेरा माइनस होगा ऑलवेज, और दूसरा पॉइंटर मेरा प्लस होगा। और इसको हम क्या करेंगे, एक लूप लगा के स्टार्टिंग टू लास्ट लूप को क्या करेंगे, मूव करेंगे मेरे एक एक कैरेक्टर। तो फर्स्ट कैरेक्टर मेरा आई क्या करेंगे, जो लूप होगा वो आई से डिनोट होगा, और आई क्या करेगा, स्टॉप होगा फर्स्ट कैरेक्टर पे। तो उस कंडीशन में जैसे ही हम जे माइनस करें, दोनों फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जे और के को आई के पोजिशन पे ही रखते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जी को जैसे ही जैसे माइनस करेंगे तो जी मेरा आउट ऑफ रीच हो जाएगा और के मेरा बी पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, मेरा प्रोग्राम क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड लगा देंगे, जी का ऑलवेज क्या हो, जी ग्रेटर देन जीरो हो, यानी फर्स्ट जो कैरेक्टर है उससे ऊपर होना चाहिए, और के लिए हम क्या कर देंगे कि हम लास्ट से बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से बाहर नहीं होना चाहिए। ये कैरेक्टर हो गया, जैसे ही बाहर होगा मेरा काउंटिंग, मेरा लूप क्या होगा, आगे बढ़ेगा और एक एक कैरेक्टर करके मूव करेगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट टाइम क्या हो गया, मेरा आई मेरा ए पे था, अब क्या किया हम आई को मूव करके बी पे ले आए। जब बी पे ले आए, जैसे ही आउट ऑफ रीच हुआ मेरा, जे बाहर चला गया, तो क्या हो गया, बी पे आ गया आई। आई जब बी पे आया तो जे और के दोनों मेरा बी पे है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जे को इंक्रीमेंट करेंगे। कब तक इंक्रीमेंट करेंगे, जब तक मेरा जीरो से बाहर नहीं जाना चाहिए और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से के मेरा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जे हमेरा क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा ए पे और के आ जाएगा ए पे। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, तो जे क्या हो जाएगा, माइनस वन पे आ जाएगा और के आ जाएगा मेरा बी पे। तो यहां देख रहे हैं मेरा जे फिर से बाहर चल जा रहा है चूंकि, तो हम आई को क्या करेंगे, इंक्रीज करके फिर से ए पे ले आए। अब ए पे लाएंगे तो जे मेरा क्या हो जाएगा, जे यहां आ जाएगा और के यहां आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जे माइनस माइनस होगा। कब तक माइनस माइनस होगा, जब तक कि जीरो से बाहर नहीं जाता है, तो ये यहां पे आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जे माइनस माइनस होगा और जे मेरा बाहर चल जाएगा और के मेरा यहां पे। क्लियर हो गया, जे मेरा बाहर चल गया और के मेरा डी पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं मेरा इवन कंडीशन, चूंकि इवन कंडीशन है तो उस कंडीशन में मेरा लास्ट कैरेक्टर में जब के आ रहा है, जे मेरा आउट हो जा रहा है। तो ये मेरा सेम
नहीं होगा। ये प्रोग्राम कब काम करेगा मेरा, जब मेरा ऑड कंडीशन में होगा। कब तक? जब तक मेरा ए बी ए बी ए सी था तब तक। तो इवन कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इवन कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको इवन कंडीशन के लिए समझिए, सिंपल इवन कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, जे को आई पे ही रखेंगे और के को हम कर देंगे आई प्लस वन, यानी नेक्स्ट स्टेप पे रखेंगे हम। क्लियर? अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम मेरा आई जब ए पे रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जे मेरा ए पे रहेगा और के मेरा क्या हो जाएगा, बी यानी आई प्लस वन पे आ जाएगा। अब इंक्रीमेंट करेंगे तो जे मेरा आउट हो जाएगा और बी मेरा ए पे चलाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आउट होगा जे मेरा, लूप मेरा आई को इंक्रीज कर देगा, आई मेरा इंक्रीज होकर बी पे आएगा तो के मेरा क्या हो जाएगा, ए पे आएगा और जे मेरा सेम आई पोजीशन पे रहेगा। हम इंक्रीमेंट करेंगे के को तो के मेरा बी पे आएगा और आई मेरा ए पे आ जाएगा। फिर जैसे ही इंक्रीमेंट करेंगे आउट हो जाएगा, जैसे ही आउट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से मेरा आई आ जाएगा ए पे, आई जब ए पे आएगा तो आई प्लस वन पे के है यानी के आ जाएगा मेरा बी पे। फिर से इंक्रीमेंट होगा, जब के को हम इंक्रीमेंट करेंगे तो के आएगा सी पे और जे आ जाएगा मेरा बी पे। फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा तो उस कंडीशन में के आएगा मेरा डी पे और जे आएगा मेरा ए पे। तो यहां हम जब देख रहे हैं इवेंट कंडीशन में मेरा मैच हो रहा है, पूरा कैरेक्टर को हम चेक कर पा रहे हैं। कब? जब फर्स्ट को हम जे को रख रहे हैं आई पे और के को रख रहे हैं आई प्लस वन पे। अगर हम आई आई पे रख रहे हैं तो वो मेरा ऑड कंडीशन पे आ रहा है। तो ऑड कंडीशन के लिए हम अलग प्रोग्राम बनाएंगे और इवन कंडीशन के लिए अलग लिखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम प्रोग्राम पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बाउंड्री से बाहर नहीं जाए, यानी जीरो से बाहर नहीं जाना चाहिए और स्टार्टिंग से लास्ट से मेरा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक str स्ट्रिंग इनपुट करवाते हैं, a b a b a b a b c d स्ट्रिंग इनपुट कर लिए। अब क्या करेंगे, हम एक चेक फंक्शन बनाते हैं, def चेक। इसमें हम पैरामीटर में पास कर देते हैं दो पॉइंटर। सबसे पहले तो स्ट्रिंग दे देते हैं str कॉमा l दे देते हैं और r दे देते हैं, दो पॉइंटर दे दिए हम, लोएस्ट और लास्ट। अब क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे y l ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा होना चाहिए l का पोजीशन स्टार्टिंग वाला का, और लास्ट वाला का क्या हो, r लेस देन लेंथ ऑफ किससे, तो स्ट्रिंग के लेंथ से बड़ा नहीं जाना चाहिए। ये कंडीशन हो गया मेरा एक। अब क्या है, पैलिंड्रोम के लिए हम अलग से प्रोग्राम तो बनाएंगे नहीं, तो हम पैलिंड्रोम यहीं पे चेक करने के लिए हम सिंपल एक और कंडीशन लगाएंगे, एंड s t r l equal to s t r, जब तक इक्वल होगा तब तक फिर मेरा चेकिंग चलता रहेगा। जैसे इक्वल से बाहर और या मेरा क्या करते हैं, इक्वल से बाहर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये भी है आउट ऑफ रीच होना चाहिए, मैंने जीरो से बाहर या लास्ट से बाहर हो तो मेरा आई का पोजीशन इंक्रीमेंट होगा। जैसे एल का पोजीशन को हम माइनस माइनस करेंगे, माइनस इक्वल टू कर देंगे हम वन, एक करके डिक्रीमेंट करेंगे और आर को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं वन, इंक्रीमेंट कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एस टी आर एल प्लस वन, स्लाइस कर देते हैं हम इसमें, इसको हम समझेंगे पहले, हम आउटपुट में जब प्रोग्राम में आते हैं उसमें समझेंगे। यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो मेरा इवन और ऑड के लिए समझे थे, लूप लगाएंगे और मूव करेंगे और चेक करेंगे मेरा पैलिंड्रोम है या नहीं। इसके लिए हम देते हैं def स्ट्रिंग को पास कर दिए, क्लियर हो गया। अब एक रिजल्ट के लिए res ब्लैंक वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज कहाँ तक जाएगा, तो लेंथ ऑफ str तक जाएगा, सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, हम ऑड केस के लिए क्या किए थे, i और i
इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल दोनों मेरा जी और के आई पे रहना चाहिए। हम ऑड केस के लिए निकाले थे, जी और के आई पे रहना चाहिए, इवन में आई प्लस वन पे आएगा की मेरा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक टेम्पररी वेरिएबल लगते हैं जिसमें हम जो मेरा स्ट्रिंग बनेगा उसको स्टोर करेंगे, ताकि हमें कंपेयर करके जो मेरा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो उसको बाहर कर सके। तो हम यहाँ देते हैं चेक, क्या चेक करना है, तो str कॉमा आई कॉमा आर, आई कॉमा आई का आपको समझ में आ गया, ये मेरा ऑड कंडीशन के लिए चेक कर रहे हैं, क्लियर। अब इसमें जो मेरा स्ट्रिंग बन रहा है, इफ लेंथ ऑफ टेम्प ग्रेटर देन लेंथ ऑफ आर ई एस, क्लियर, अगर बड़ा है तो आर ई एस में आप स्टोर कर दो किसको, तो टेम्प को। टेम्पररी वेरिएबल में जो मेरा स्ट्रिंग आ रहा है वो किससे बड़ा है, मेरा जो रिजल्ट में स्ट्रिंग है उससे बड़ा है, तो उसको स्टोर रिजल्ट में कर दो, यानी बड़ा बड़ा पैलिंड्रोम को हम स्टोर कर दिए। सिंपल इसको ही हम कॉपी कर लेंगे, ऑड पहला हो गया मेरा ऑड कंडीशन के लिए, तो इवन कंडीशन के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस वन कर देंगे, क्लियर हो गया। और लास्ट में हम रिटर्न कर देते हैं, क्या रिटर्न करेंगे, तो रिजल्ट को। सिंपल अब हम फंक्शन कॉल कर देते हैं यहाँ पे, प्रिंट str, ए बी ए मेरा जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है वो आ रहा है। इसको और अच्छा से समझने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक मैडम लगा देते लास्ट में, यही मैडम मेरा प्रिंट हो रहा है। मैडम को आप बीच में भी ला सकते हैं कहीं पे, या हम यहाँ सिंपल कुछ दे देते हैं, अब भी आप देखेंगे तो मैडम ही प्रिंट होगा, मैडम से अलग जो मेरा हो गया डी, चूंकि लास्ट में भी है डी, ए इधर है, एम ए है, फिर एम ए है, इधर से भी एम ए है और डी है, इस तरह मेरा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम मेरा बदल गया और प्रिंट हो रहा है, क्लियर है। अब हम जो लास्ट में हम जो स्लाइसिंग लगाए थे, स्लाइसिंग के समझने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा, पूरा वीडियो मेरा बना हुआ है उसको समझिएगा। और दूसरा जो हम यहाँ एल प्लस वन किए हैं और आर किए हैं, आर स्लाइस किए हैं, इसको समझेंगे। तो इसके लिए सिंपल समझिए, जब मेरा जी मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल आई मेरा आएगा बी पे, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जी मेरा ए पे आएगा और के मेरा क्या आ जाएगा, इस ए पे आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट जब होगा तो के मेरा क्या आ जाएगा, बी पे आएगा और आई में जी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस वन पे आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद नहीं बढ़ सकता है। तो उस कंडीशन में आप यहां समझिए, जो L वाला जो कैलकुलेशन है इसको हम उठा लेते हैं और यहाँ पे आपको क्लियर समझिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, L प्लस वन, तो जो मेरा स्टार्टिंग है लोएस्ट है वो क्या है मेरा, माइनस वन है, तो L क्या हो जाएगा मेरा, माइनस वन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। और R का पोजिशन मेरा क्या है, यानी कि K का पोजिशन मेरा क्या है, जीरो वन टू थ्री, यानी क्या हो जाएगा, स्लाइस थ्री, ये क्या हो जाएगा मेरा, स्टार्टिंग से स्लाइसिंग किए हैं यानी थर्ड कैरेक्टर तक मेरा प्रिंट करेगा। थर्ड कैरेक्टर कौन सा हो गया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैरेक्टर तक प्रिंट करेगा, सिंपल लॉजिक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्लाइसिंग में प्रॉब्लम होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं स्लाइसिंग को लिंक करूंगा, वहां से आप स्लाइसिंग को समझिए और पूरे लॉजिक को अपने से ड्राई रन करके देखिए, ताकि आप पूरे प्रोग्राम को समझ सके। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।